एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीत। अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं, बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे का काम जारी रहा। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के तहखानों की वीडियोग्राफी के बाद आज मस्जिद के गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ, देखिए एबीपी न्यूज की आंखों देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज भी देश की नजरें टिकी थीं। मस्जिद में सर्वे का आज दूसरा दिन था और इसीलिए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। सर्वे की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे हुई। एबीपी न्यूज की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के हर पल के हाल को कैमरे में कैद करके आपके लिए लाई है। सर्वे के सुरक्षा इंतजामों के लिए आपको दिखाई देगा भारी पुलिसिया बंदोबस्त। कल के दिन भी यहां पर जोरदार पुलिस बल का इंतजाम था। पुलिस के तमाम ये सिपाही इस बैरिकेटिंग से लेकर जो रास्ता जाता है गेट नंबर 4 तक ज्ञानव्यापी मस्जिद तक पूरे रास्ते में कवर किए हुए थे। ऐसी तकरीबन 6 बैरिकेटिंग आपको मिलेंगी ज्ञानव्यापी मस्जिद तक पहुंचने के लिए। ऐसी 6 बैरिकेटिंग में देखिए अब यहीं से रोकना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो समय है सर्वे से पहले का वो होने वाला है, तो जो आवागामी थी लोगों के आने जाने का जो सिलसिला था उसे रोकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी इस मुख्य हिस्से में शहर के जहां पर सर्वे का काम होना है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद के गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार दिखे हैं, जिन्हें सफेद चूने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया है। देखिए जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर जो मस्जिद का हिस्सा जहां नमाज पढ़ी जाती है वो 3 टुकड़ों में है। सबसे पहले अंदर का हिस्सा है, फिर एक बड़ा सा बरामदा है, फिर एक आंगन है। आंगन में ही वजू खाना है जहां पर लोग नमाज पढ़ने से पहले खुद को पाक करते हैं, पवित्र करते हैं। और उस वजू खाने के चारों तरफ तालाब है, तालाब 4 से 5 फीट गहरा है। उसमें मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां मैंने देखी हुई है, मछलियां हैं वो अटखेलियां करती रहती हैं। तो जो हिंदू पक्ष है, जो वादी पक्ष है, उसने आज कोर्ट कमिश्नर के सामने ये कहा कि इस तालाब को खाली करा लिया जाए, यानी पानी बाहर इसका निकाल दिया जाए और इसके नीचे की जो दीवार है, जो इसका ग्राउंड होगा जो है, इसकी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाए। इंतजामिया कमेटी की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन किया गया। हालांकि जो कोर्ट कमिश्नर है उन्होंने आखिरी तर्न पर क्या फैसला लिया, लेकिन मेरी अपनी जो जानकारी है, जब तक मुझे आखिरी तर्न पर जानकारी मिली थी कि तालाब का पानी खाली नहीं कराया गया था, यानी तालाब के नीचे जो जमीन थी उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर। सर्वे के दूसरे दिन मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान मस्जिद में एक और कमरा मिला। बताया जा रहा है कि इसमें मलबा भरा हुआ है। सर्वे करने के लिए पहुंची टीम ने आज चौथा ताला खोला। जिस दरवाजे का ये ताला खोला गया वो दरवाजा ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार पर है। इससे पहले मस्जिद की पहली मंजिल और गुंबद के बाद पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। तालाब खाली जो कराने को लेकर बातचीत चल रही थी उसमें चूंकि मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया कि ये वो नहीं चाहते ऐसा हो, तो उसके बावजूद वीडियोग्राफी हुई, यानी कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष भी इस बात से सहमत था, ठीक है आपकी भी मान ली जाए, हमारी भी मान ली जाए, वीडियोग्राफी। जी बिल्कुल, देखिए तालाब को लेकर ही विवाद नहीं था, विवाद जो अंदरूनी हिस्सा है जहां पर मस्जिद के पेश इमाम बैठते हैं, जहां से वो कयादत करते हैं, जहां से वो तकरीर करते हैं, वो पूरा जो है वो ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थरों से, उस तरह के पत्थर जो आप मुगल कालीन इमारतों में देखती होंगी, उससे वो पूरा अंदर का हिस्सा तैयार किया गया था। लेकिन कई जगहों पर ऐसा था जहां पर सफेद पेंटिंग की गई थी, यानी कुछ कुछ हिस्से को बस, मतलब आधे फीट एक फीट हिस्से को पेंट करके छोड़ दिया गया और बीच में बहुत लंबा एरिया छोड़ दिया, कई जगहों पर ऐसा था। तो जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, उसको सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि क्या ये जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाने के लिए पेंटिंग की गई है। तो इस पर इंतजामिया कमेटी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उसका कहना था कि हम पेंटिंग की कोशिश करा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि मैं कल भी मस्जिद के अंदर गया था, परसों भी गया था, और ब्रश के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि सर्वे का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। कल सर्वे में मस्जिद की छत और गुंबद की वीडियोग्राफी की जा सकती है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां की राजनीतिक महाभारत दिनों दिन तेज होती जा रही है। मस्जिद में लाउडस्पीकर विवाद के बाद हनुमान चालीसा की गूंज आज मुंबई में बीजेपी की रैली में फिर से सुनाई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज
महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा केंद्र बिंदु बना हुआ है। मुंबई में आज महासंकल्प रैली में भी हनुमान चालीसा का पाठ करके बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में उसकी क्या रणनीति रहने वाली है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से उसकी तैयारियों में जुट गई है और महासंकल्प रैली इसी दिशा में उसका एक कदम है। मुंबई के गोरेगांव में आज हुई बीजेपी की इस महासंकल्प रैली का मकसद उत्तर भारतीय वोटरों को साधना है। क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राजशिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? बीजेपी पहले ही राज्य में पोल खोल यात्रा शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में घाटकोपर के सुमैया मैदान पर 1 मई को बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली भी की थी, लेकिन आज हुई गोरेगांव की रैली को आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार के शुभारंभ के तौर पर देखा जा रहा है। लाफ्टर शो आखिर तक खत्म ही नहीं हुआ, वही चीजें हमको सुनने को मिली, कोई नई बात हमको सुनने को नहीं मिली। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र, 100 सभाओं की बाप सभा। बोले 100 सभाओं की बाप सभा, सही बात है। 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ, पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहाँ हो रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है। साल 2017 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी 82 सीट जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रह गई थी और इसीलिए वो इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। इधर राजस्थान में मंत्री के बेटे पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जयपुर पहुंची आज। रेप केस में आरोपी मंत्री पुत्र रोहित जोशी फिलहाल फरार है और पुलिस ने 18 मई को दिल्ली में तलब किया है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या रोहित जोशी हाजिर होंगे? राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज रोहित जोशी को कथित बलात्कार के केस में गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला। केस दर्ज होने के बाद से रोहित सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन के करीब रोहित के निवास पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ के अगुवाई में 2 से 3 टीमें जयपुर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं सिविल लाइंस में महेश जोशी के सरकारी घर के बाहर। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं कुछ देर पहले पहुंची थी महेश जोशी के हसनपुरा स्थित घर पर और इस वक्त खुद महेश जोशी इस मकान पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने जयपुर में चीनी की बुर्ज इलाके में पीड़िता के घर की तस्दीक भी की है। पुलिस की टीम ने मंत्री महेश जोशी के आवास पर पूछताछ करने के अलावा दूसरी और जगहों पर जाकर भी जांच पड़ताल की है। पहले भी कहा था और आज भी कर रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं सच्चाई के साथ हूँ, न्याय के साथ। मैंने कभी मेरी जिंदगी में कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, मैंने कभी भी न्याय से इतर कोई काम नहीं किया और भविष्य में भी न्याय के अलावा कानून के अलावा मैं कुछ नहीं करूँ। कृपा करके मीडिया ट्रायल नहीं करें, जो सच्चाई उसको सामने आने दें। जो सच्चाई होगी, जो न्याय कहेगा, जो कानून कहेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करूँ। रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में 8 मई को जिस महिला पत्रकार ने रेप केस दर्ज करवाया था वो जयपुर की रहने वाली है। 23 साल की महिला पत्रकार ने रेप के अलावा अश्लील वीडियो बनाने और एबॉर्शन कराने जैसे गंभीर आरोप भी रोहित जोशी पर लगाए हैं और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मंत्री महेश जोशी के बेटे पर शिकंजा कस दिया है। महेश जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। जाहिर है इस मामले में कांग्रेस और महेश जोशी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
उदयपुर में पिछले दो दिनों से चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हो गया। चुनाव में हार और राष्ट्रीय राजनीति में गिरते ग्राफ को कैसे संभाला जाए, कांग्रेस ने तीनों दिनों तक इस पर मंथन किया। शिविर में आज आखिरी दिन राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। हालांकि उनके निशाने पर संघ और बीजेपी ही रहे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में क्या बाहर निकला, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी की तरह ही राहुल गांधी के निशाने पर भी संघ और बीजेपी ही रहे। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताया। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया। शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन को अपना लिया है, जिसमें कहा गया है कि केरल इकाई की तर्ज पर पार्टी एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेगी। कांग्रेस कार्य समिति के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष को तमाम मुद्दों पर राय देने के लिए एक अलग समिति बनाने और राज्य में अलग से राजनीतिक सेल बनाने की बात भी कही गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने एक टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। खास बात यह है कि सोनिया गांधी ने उदयपुर डिक्लेरेशन के फैसलों पर जल्द कार्रवाई का ऐलान किया है। We will launch the national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. We will overcome. शिविर में पारित प्रस्ताव में सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया। चीन मसले पर जहां सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया गया, वहीं उत्तर पूर्व के हालात पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने सरकार को कश्मीर के मसले पर भी घेरा है। कांग्रेस ने पूछा कि धारा 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने के दावे किए गए थे, लेकिन अब तक हालात सामान्य क्यों नहीं हुए। पारित प्रस्ताव में संगठन में हर स्तर पर युवाओं को कम से कम 50% जगह देने की बात कही गई है। वही किसानों के मसले पर आंदोलन तेज करने की बात भी कही गई है। कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। उदयपुर डिक्लेरेशन में जमीनी स्तर पर मंडल समितियां बनाने की भी बात कही गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन के प्रस्तावों को 100 दिनों में लागू करने की बात कही है। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां मुंडका आग हादसे के आरोपी मनीष लाकड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंडका अग्निकांड पर सियासत भी हालांकि तेज हो गई है। इस मामले में जहां बीजेपी के एमसीडी ने जांच बिठा दी है, तो वहीं आरोपी मनीष लाकड़ा को आम आदमी पार्टी बीजेपी नेताओं का करीबी बता रही है। मुंडका की आग पर आखिर कौन सेक रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां, हमारी रिपोर्ट देखिए। मुंडका अग्निकांड को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार और फायर डिपार्टमेंट पर लापरवाही के आरोप लगा रही है, तो वहीं एमसीडी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंडका में जिस जगह इमारत थी, क्या उस जमीन पर बिल्डिंग परमिशन के साथ बनी थी? हादसे की चपेट में आई इमारत और वहां पर चल रहे कमर्शियल ऑफिस की परमिशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर इस पूरे मामले में नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर संजय गोयल ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में कई अहम चीजों को सामने रखा जाएगा। बिल्डिंग कब बनी और इसकी ऊंचाई कितनी थी? क्या उस इमारत का प्लान सैंक्शन था? जिस उद्देश्य से इमारत इस्तेमाल हो रही थी, क्या उसकी इजाजत ली गई थी? क्या फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई थी? इसके अलावा फैक्ट्री मालिक के फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जाँच भी होगी।
नॉर्थ एमसीडी के कुछ अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को यह आदेश दिया गया है और सोमवार शाम तक जांच की रिपोर्ट आनी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को आज सुबह घेवरा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। मनीष लाकड़ा जो इसका ओनर था वो सीन ऑफ क्राइम से भागा हुआ था, तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ जहाँ वो हो सकता है रिलेटिव्स के घर और जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको पकड़ने में, उसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा। मुंडका अग्निकांड के आरोपी मनीष लाकड़ा को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लाकड़ा बीजेपी नेताओं का करीबी था। लाकड़ा के बारे में आरोप है कि वो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के चाचा मास्टर आजाद सिंह का करीबी है। इस बिल्डिंग के ओनर हैं मनीष लाकड़ा जी। कौन है मनीष लाकड़ा? ऐसी क्या पावर है उनके अंदर कि मॉनिटरिंग कमेटी के सील करने के बाद भी फैक्ट्री चल रही है? ये मनीष लाकड़ा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पटके में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हैं। ये अगली फोटो में जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मनीष लाकड़ा जी हैं, और जो बगल में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं ये मास्टर आजाद सिंह जी। और बता दें आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के सगे चाचा हैं। जाहिर है मुंडका अग्निकांड पर सियासत तेज हो गई है। मुंडका आग हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 8 लोगों की ही पहचान हुई है। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं और कई लोग अभी भी गुमशुदा हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबकी चिंता मनी मनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। श्रीलंका जो अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और श्रीलंका उसकी आग में जल रहा है। हालत ये है कि यहां पर आम लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, और अगर है भी तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि श्रीलंका में ये हालात अचानक बन गए हो, श्रीलंका में ये हालात पिछले काफी वक्त से पनप रहे थे, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बिखर गया है। सवा 2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पाई पाई को मोहताज हो गए हैं लोग। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, खाने की कमी, पेट्रोल की कमी। ऐसे हालात में यहाँ का आम आदमी पूरी तरह निराश हो चुका है। उसे ये पता नहीं कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना रौद्र रूप ले चुका है कि कल्पना करना मुश्किल है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने श्रीलंका में जाकर वहाँ के आम लोगों से बात की है और उनके दर्द को समझने की कोशिश की है। अंकित ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए वहां के भारतीय मूल के लोगों से भी बात की। इस वक्त हम मौजूद है कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी, वो श्रीलंका जहां पर आर्थिक संकट की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं, सेना सड़कों पर है, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। अंकित को श्रीलंका पहुँचते ही सबसे पहले आने जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा की जरूरत महसूस हुई। खोजते खोजते उन्हें मिले राजधानी कोलंबो में ऑटो चलाने वाले चमिंडा। चमिंडा पिछले 10-15 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि पेट्रोल मिलना अब इतना दूभर हो गया है कि अगले कुछ दिनों में इनके घर पर बैठने की नौबत आ जाएगी, ऑटो चलाना बंद करना पड़ेगा। ऐसे में परिवार को पाले तो कैसे पाले। चमिंडा भी हमारे साथ में है जो कुछ दूरी से अपने ऑटो को धक्का देकर के ला रहे हैं। क्या वो पेट्रोल खत्म? 5 दिन हो गया पेट्रोल नहीं है, बहुत मुश्किल है। गाड़ी नहीं चलाते हो, कैसे खर्चा? घर में बैठेगा क्या करेगा, कोई काना दिएगा। खाने पीना फिर कैसे चल रहा? ओ, बहुत मुश्किल चलता है। ओ, कितना मुश्किल है, एक ब्रेड पकड़ने के लिए मुश्किल है। ये सही बात है, ये कोई देखने के लिए नहीं है। श्रीलंका में ना खाना पीना है, ना दवा है, और ना ही मिल रहा है पेट्रोल डीजल। महंगाई की मार इस वक्त चारों तरफ लगातार पड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसका सीधा सा असर पड़ रहा है आम जनता पर, और इसी वजह से आम जनता काफी ज्यादा नाराज है, सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार प्रदर्शन तक हो रहे हैं।
आम जनता का यही कहना है कि आटा दाल मिल नहीं रहा, खाना पीना मिल नहीं रहा, दूध सब्जी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो उसका कई गुना कीमत पर। तो आखिर ऐसे में कैसे दिन गुजार सकते हैं, कैसे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, और इसी को लेकर के लगातार नाराजगी है। मैंने खुद श्रीलंका की बाजारों में जाकर के देखा है कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं, और ये हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये तस्वीरें इसी तरीके से बिगड़ती रहीं तो आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा कोई सोच भी नहीं सकता। कोलंबो में सब्जी की दुकान चलाने वाले सिरा के लिए बड़ी संकट की स्थिति है। सिरा का कहना है कि सब्जियां ऐसी चीज हैं जिसके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल है। खाने पीने की चीजों में इंसान आखिर कैसे कटौती करेगा, फिर भी लोग मजबूर हैं। पहले लोग जहां एक किलो सब्जी लेते थे, वहां अब बेतहाशा महंगाई की वजह से आधा किलो से ही काम चला रहे हैं। ये कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं? बोले तो जी ये सब इकोनॉमिक क्रशेस। सी कोई पहले एक किलो लेता था तो अभी वो कितना लेता है? अभी तो 500 ग्राम 200-300 ग्राम लेता है। जो पहले एक किलो लेता था वो किलो था, अभी कम थी लेता है, हाफ 500 ग्राम लेता है। पहले एक किलो आदमी लेने का आदमी अभी 500 ग्राम लेता है। सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है जो आप लोगों के पास सप्लाई आ रही है? सप्लाई तो बहुत कम थी आ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव बोलता है जी। सिरा के मुताबिक अप्रैल में आलू 250 रुपए किलो बिकता था जो अब 340 रुपए हो गया है। टमाटर पहले 280 रुपए किलो था जो अब 850 रुपए किलो हो गया है। गाजर पहले 220 रुपए थी जो अब 440 रुपए में मिल रही है। गोभी पहले 650 रुपए किलो थी जो अब 850 रुपए हो गई है। बैंगन 180 की जगह 480 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च भी 650 रुपए से 850 रुपए हो गई है। ऐसा हाल हर सब्जी का है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की महंगाई की सबसे बड़ी वजह है डीजल का महंगा होना। कोलंबो में फल की दुकान चलाने वाले चंदना का कहना है कि सब्जियां तो खरीदना लोगों की मजबूरी है, लेकिन फल में लोग कटौती करने को तैयार हैं। लगभग सभी फलों की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। चंदना, what's the price of these fruits if we compare it with last month? Is it really high? It's a double price, yeah. Double price. Okay, let's start with mango. Mangoes before kilo 350, 400. Now it's kilo 800, 700. Yeah. चंदना के मुताबिक सेब पहले 350 रुपए किलो बिकते थे जो अब 1200 रुपए किलो हो गए हैं। आम पहले 350 रुपए किलो थे जो अब 700 रुपए किलो बिक रहे हैं। संतरे 400 रुपए की जगह 800 रुपए किलो हो गए हैं। अंगूर भी 1200 की जगह 1800 रुपए किलो बिक रहे हैं। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जो महंगाई दर मार्च में 19% थी, वो अप्रैल में बढ़कर करीब 30% पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से आशंका है कि ये महंगाई और बढ़ने वाली है। श्रीलंका के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल है नहीं, और अगर है भी तो बहुत सीमित मात्रा में। इसी को देखते हुए श्रीलंका की तेल कंपनियों ने कुछ हफ्तों पहले पेट्रोल डीजल बोतलों और डिब्बों में देने पर रोक लगा दी थी, जिससे कि तेल की कालाबाजारी को रोका जा सके। हालांकि सबके बीच में जो लोग वाहन लेकर भी पेट्रोल पंप पर आते हैं, उनको भी सीमित मात्रा में ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। इस सबके बीच में जिस तरीके के हालात यहां पर बन रहे हैं, लोग घंटों घंटों पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद भी इंतजार करते हैं, और कई बार ये भी होता है कि तब भी उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान ही श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 से 2.5 गुना तक पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के चलते लोगों को यहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा कि नहीं। इस वक्त जो कीमत है वो 373 रुपये प्रति लीटर, और 300 अगर इसका जो है प्रीमियम वाला लेते हैं 373, अदरवाइज 338 रुपये प्रति लीटर की ये दर है। पेट्रोल और डीजल पाने के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लेकिन सबकी कोशिश ये है कि जितना भी इंतज़ार हो, एक बार जब पहुँचो तो जितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल मिल सकता हो वो भरवा लिया जाए, क्योंकि पता नहीं अगले दिन या आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं वो बस से बदतर होते जा रहे हैं।
श्रीलंका में पहले एक लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, जो अब बढ़कर 338 रुपए हो गई है। आशंका है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और बढ़ेगी। कोलंबो में पिछले 15 सालों से ऑटो चलाने वाले शांता परेरा का कहना है कि यहां महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि कुछ ही महीनों में ऑटो का किराया दोगुना हो गया है। इसकी वजह से लोग अब ऑटो में बैठने से कतराने लगे हैं। कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर देखिए ये लोग अपने जो है ऑटो और टेम्पो और टैक्सीज को घसीट के ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनको सिंगलीज आती है, यानी कि स्थानीय भाषा श्रीलंका की, लेकिन हम कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्राइस पर किलोमीटर नाउ यू आर चार्जिंग? हाउ मच यू आर चार्जिंग? नॉट माय गोइंग टू हायर। हाउ मच यू आर चार्जिंग पर किलोमीटर? 80 रुपीस। 80 रुपीस। एंड बिफोर? बिफोर एंड 50 एंड 40 एंड 50। श्रीलंका के बाजारों में हजारों दुकानों को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि दुकानों में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखे, कूलर कुछ नहीं चल पा रहा और उसकी वजह से व्यापार ठप हो रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है और उसके चलते सड़कों पर विद्रोह की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है क्योंकि वो घर पे खाना तक नहीं बना सकते। और इसी सब को देखते हुए श्रीलंका के गैस स्टेशनों पर खास तौर पर सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जिससे कि हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा सके। श्रीलंका में गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी हो रही है। लोग 12 से 14 घंटे तक कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन उनको गैस नहीं मिल रही। हालत यह है कि लोग यहां शिफ्टों में लाइन लगाते हैं ताकि उन्हें कुछ गैस मिल सके। अमनीश, व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ रिगार्डिंग दिस एलपीजी थिंग? वेल, वी आर हियर फ्रॉम मॉर्निंग 3:30 एएम। 3:30, इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज देन वी ऑल हैव टू डाई। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। नो वन इज गोइंग टू हेल्प अस, द प्रेसिडेंट, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू लुक एट अस। सो दिस इज अ वेरी सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल एंड बैड फॉर ऑल। लोगों के घर में भी गैस खत्म हो गई है, खाना बन नहीं पा रहा और बाहर से मंगा नहीं सकते क्योंकि होटलों में खाना काफी महंगा हो गया है। इस अनिश्चितता में जीवन जीना काफी मुश्किल हो गया है। फिरोज, कितने घंटों से खड़े हुए हैं? हम लोग अभी तकरीबन 12 घंटे से खड़े होते हैं। 12 घंटे से, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कब आएगा? अभी बोल रहा है आएगा बोल के, अभी तक भरोसा नहीं आएगा। कभी आएगा कभी नहीं आएगा बोल के भरोसा नहीं, किसका भी भरोसा नहीं। पुलिस वाला बोल रहा है देगा बोल के। घर में खाना पीना कैसे हो रहा है? वही हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम लोग के वजह से गैस बगैर केरोसिन के भी नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग के घर ऐसा नहीं केरोसिन से नहीं यूज कर सकते, हम लोग को सिलेंडर ही चाहिए। जब लोगों को गैस मिल नहीं पाती तो गुस्सा फूट पड़ता है। कोलंबो के इस गैस स्टेशन के बाहर लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी जब गैस नहीं मिली तो उन्होंने सड़कों पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। अगले साल श्रीलंका अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाएगा, लेकिन इन 75 सालों के दौरान कभी भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई, लेकिन पिछले 10 सालों में श्रीलंका की सरकार के आर्थिक फैसलों ने यहाँ की आर्थिक स्थिति का और ज़्यादा बंटा धार करके रख दिया। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है वो माना जा रहा है राजपक्षे परिवार को और राजपक्षे परिवार से जुड़े दोनों भाइयों को। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा और कुछ दिन पहले तक के प्रधानमंत्री रहे उनके भाई महिंद्रा राजपक्सा देश के सबसे बड़े हीरो माने जाते थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच 30 साल चले गृह युद्ध को खत्म किया था, लेकिन जब बात सरकार चलाने की आई तो इनकी आर्थिक नीतियों ने देश का कबाड़ा कर दिया। इनके राज में श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए चीन के अलावा कई देशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ले ली। इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की वजह से खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी से पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी।
सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रोख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर करीब $2 अरब हो गया, जो 2018 में $7 अरब था। विदेशी मुद्रा की कमाई से ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। बढ़ते बजट घाटे के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिश में ढेर सारी मुद्रा छापी, जिससे महंगाई और बढ़ गई। पेट्रोल पंप पहुंचे मिस्टर श्रीलाल उन लोगों में हैं जिन्हें राजपक्ष भाइयों की शक्ल फूटी आंख भी नहीं सुहा रही है। हालत यह है कि अब ये और इनकी बेटी राजपक्ष भाइयों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने लगे हैं। What do you think? Whom to blame for this situation? Rajapaksas. They ruined this country. Ultimately, people are suffering. Citizens are suffering. Suffering and my daughter goes to the protest at Goldface every day with my granddaughter who is only 15 and my grandson is 7 and they work there. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब 30 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान भी श्रीलंका में पर्यटन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान दुनिया भर में फैले कोरोना ने श्रीलंका में पर्यटन की स्थिति को तहस नहस करके रख दिया और उसके बाद अब मौजूदा आर्थिक हालात ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी है। कोलंबो में टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर का काम करने वाले भारतीय मूल के मनोज कुमार ने श्रीलंका में ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी है। अंकित गुप्ता को अपनी गाड़ी में सैर कराते वक्त इन्होंने बताया कि अब सैलानी यहां आ नहीं रहे, उसके चलते अब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हम डायरेक्टली मनोज से बात करते हैं सीधे तौर पर कि आखिर इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। मनोज, एज वी नो दैट इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, सो डज दिस अफेक्टिंग यू आल्सो? Yes, it's very hardly affecting. And you know, the like before this incident, so we have worked with the tourists, so we earned a lot of money with them. But now almost like 2 months, so it's you know, the like we are out of money now. इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जो कि जिसको निगांबो के तौर पर जानते हैं, एक बीच साइड है और यहाँ पर अमूमन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं जब टूरिस्ट सीजन होता है और ये भी एक टूरिस्ट सीजन चल रहा है, लेकिन इस दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। इस वक्त खाली पड़ा हुआ है पूरा निगांबो बीच। श्रीलंका में हालात संभाले नहीं संभल रहे। आर्थिक हालातों को संभालने के लिए श्रीलंका सरकार ने भारत और चीन से मदद भी मांगी है और उसी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है। हालांकि खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने भी श्रीलंका की मदद की है और कर्ज भी दिया है, लेकिन भारत सरकार भी ऐसा लंबे समय तक नहीं कर सकती। अगर जल्द ही यहाँ के हालात नहीं सुधरे तो फिर भारत सरकार के लिए भी लगातार मदद करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बात की जाए चीन की, तो चीन के पहले से ही कर्जा में डूबा हुआ है श्रीलंका और अगर और कर्ज लेता है तो इससे तो श्रीलंका की मुसीबत आने वाले दिनों में और ज्यादा ही बढ़ेगी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के सामने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए उसने विश्व बैंक, IMF जैसे संगठनों के साथ साथ भारत और चीन जैसे देशों से भी संपर्क साधा है। श्रीलंका पर इस वक्त $51 अरब का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज न चुका पाने की वजह से उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बाद कर्ज देने वाले देशों में चीन सबसे आगे था। श्रीलंका ने चीन से बंदरगाह, हाईवे जैसी चीजें बनवाने के लिए 2010 से 2015 के बीच $5 अरब का कर्ज लिया था। अब हालत यह है कि श्रीलंका की सरकार ने मौजूदा वित्तीय संकट से उबरने के लिए आपातकालीन $4 अरब की विदेशी मदद की मांग की है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए श्रीलंका को $3 अरब का कर्ज देने का वादा किया है। इसके अलावा भारत ने 65,000 टन यूरिया की भी तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, जिसका इस्तेमाल धान की खेती में किया जाएगा। श्रीलंका के क्या हैं ताजा हालात, ये हमने आपको सीधे श्रीलंका से बताया, लेकिन मेरी तरह ही एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं और वहां की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है और कैसे वो आप पर असर डालता है, ये बताने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश यही है कि सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो सच्चाइयां हैं वो लेकर आई जाएं। दुनिया के तमाम देशों में
जो कुछ चल रहा है वो कैसे सीधे आप पर असर डालेगा, ये जानना आपका हक है। और एबीपी न्यूज यही बताने के लिए अपने इस खास कार्यक्रम में उन तमाम देशों की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने पेश कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान भी हमारी यही कोशिश रहेगी। तो फिलहाल श्रीलंका से इतना ही, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।